हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सब ठीक ही होंगे। तो आप सबका मेरे YouTube चैनल पे, जिसका नाम है एडवेंचर स्वेगर्स, आप सबका स्वागत है। तो आज जो वीडियो है ना, कुछ अनोखा है, कुछ इंफॉर्मेटिव है। मेरी बहन की शादी है अगले मंथ, तो उसी के सिलसिले में हम शॉपिंग के जा रहे हैं बेलगावी, जो कर्नाटका में। बहुत से लोग जो बेलगाम जाते हैं वो जाते जरूर है, उनको पता नहीं होता है बाबा शॉपिंग किधर करें, कार की एक्सेसरीज किधर फिट करें। लेकिन वेजिटेबल मार्केट है उधर, लेकिन उधर से वेजिटेबल मार्केट जाए तो कहाँ पे जाए पता नहीं होता है। बेलगाम ना तीन चीज़ों के लिए बहुत फेमस है, एक तो वेजिटेबल्स। गोवा में ना, हाँ पहले यही क्लियर कर देता हूँ, गोवा में 60% वेजिटेबल जो आती हैं वो बेलगाम से ही आती हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा लो बेलगाम कितना बड़ा वेजिटेबल हब होगा। उसके बाद सेकेंड जो पॉइंट है वो है कार एक्सेसरीज। हाँ, गोवा से ऑलमोस्ट एक 60% कम रेट में बेलगाम में एक्सेसरीज मिलती है, कुछ भी ले लो। मैंने उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाया था, जो मैंने अपनी वैगनार में फिटिंग की थी कार एक्सेसरीज, उसका वो भी देख लेना वीडियो बाद में। और थर्ड, शॉपिंग। शादी के जितने भी कपड़े जो गोवा में निकालते हैं ना, उससे हाफ रेट में आप बेलगाम से निकालो, बहुत फायदा होगा आपका। और उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी रहती है, बेस्ट इन क्लास। मैंने अपने खुद की शादी के कपड़े भी बेलगाम से निकाले थे। तो ये जो वीडियो पूरा का पूरा डेडिकेटेड है टू आवर शॉपिंग्स। हम जा रहे हैं बेलगाम, सिर्फ ऑलमोस्ट नॉर्मल 7 बज के सुबह लेट उठ गए। तो मैं, मेरी बहन और मेरी माँ, हम तीनों लोग जा रहे हैं। तो बेसिकली आज हम करने वाले हैं हमारी शादी की शॉपिंग, उसके बाद हम जाएंगे मेरे कार एक्सेसरीज, एक और एक नया चीज़ मेरी कार में ऐड होने वाला है, वो मैं फिटिंग करूँगा। और उसके बाद हम जाने वाले हैं वेजिटेबल मार्केट, जो देखते हैं जितना हम आपको दिखा देता हूँ वो देख लेना जो। और उसके बाद जो लास्ट पॉइंट रहेगा वो हमारा रहेगा शॉपिंग मॉल। एक्चुअली आपने वो शॉपिंग मॉल के बारे में बहुत सुना होगा, उनका मेन सेटअप है कोल्हापुर, लेकिन बेलगाम में उनका 2 शॉप्स हैं, वो भी दिखा दूंगा शॉपिंग कैसे उधर क्या क्या खरीद सकते हो। और लास्ट में अगर टाइम मिला हमें, बाबा टाइम मिला, तो हम दो जगह किधर ना 2-3 जगह हम घूम लेंगे। तो ये वीडियो इतने के बारे में था, लेकिन ये वीडियो बेसिकली हम रहेगा शॉपिंग के बारे में। तो हाँ, और एक बात कि बेलगाम यहाँ से ऑलमोस्ट एक 130 किलोमीटर्स है मड़गांव राया से, और ऑलमोस्ट इट टेक्स 4.5 hours टू रीच। तो एंजॉय द वीडियो। तो आज जो रूट लेने वाले हैं वो है मड़गांव से फोंडा, फोंडा से उसगांव तिस्क, उसके बाद साकड़ी, साकड़ी से डायरेक्टली हम जाएंगे चोला घाट होते हुए बेलगाम की तरफ, उसके बाद आएगा कुटुंबी, उसके बाद डायरेक्टली हम किधर जामोटी से होते हुए डायरेक्टली बेलगाम पहुंच जाएंगे। तो अभी हम पहुंच चुके हैं गोवा बॉर्डर पे, देखते हैं इधर कोविड टेस्ट करना कंपलसरी है या नहीं। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देख लिया कि मेरी माँ का अभी कोविड टेस्ट हुआ था, उनने सिर्फ एक ही वैक्सीन लिया है, इसलिए उनको कोविड टेस्ट करना पड़ा। मैंने 2 ही वैक्सीन कंप्लीट कर लिए, तो माँ कैसे लग रहा है? तो मैंने 2 ही वैक्सीन कंप्लीट कर लिए, इसलिए मुझे कोविड टेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी। जिस किसी को गोवा से बाहर जाना है उनको कोविड टेस्ट करना कंपलसरी है, अगर उन्होंने वैक्सीन नहीं लिया। 250 चार्जेस लेते हैं बॉर्डर पर, और 10 मिनट में रिजल्ट आपके हाथों में आता है, तो बेस्ट है।
मैं तो आता फाटल्या देवस्थान गेला पळय मग थोडे किती माहिती दे मगे कळे आसतलेच हे देवस्थानाचे किती माहिती आशिल्ली सगळीच मेळ्ळी म्हणून देव बरं काकी तुम्ही आम्ही इतकी बरी इन्फॉर्मेशन दिली म्हणून हा तर दोस्तो अभी अभी हम बेलगाम पहुंच चुके हैं और हमारा पहला जो पॉइंट था पहले जो जिस काम के लिए आए थे वो था हमारा मनीष शॉपिंग हमारी बहन की शादी है नवंबर मंथ में इसके सिलसिले में हम शॉपिंग करने के लिए आए थे तो डायरेक्टली मिलते हैं हम हमें अपने जो शॉपिंग सेंटर है जहाँ पे हम साड़ी या जो कुछ शॉपिंग करेंगे चाहे साड़ी या और कुछ है वो आपको दिखा दूंगा कौन सा शॉप है उसका डिटेल भी आप सबको मिलता रहेगा तो वीडियो देखते रहना। तो दोस्तों ये है गीताजली गारमेंट्स बेलगाम। अगर आप अपनी शादी के लिए कपड़े निकालने वाले हो ना इधर से ज़रूर निकालना। क्वालिटी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है और प्राइस आपके जेब पे भारी नहीं पड़ेगी। ये है साड़ी मंदिर, ये भी बहुत अच्छी शॉप है। अफोर्डेबल प्राइस में आपको बेस्ट क्वालिटी साड़ीज मिलेगी शादी के लिए। हम आज इधर से साड़ी खरीदने वाले हैं। तो दोस्तों अभी मैं आया हूँ साड़ी मंदिर शॉप के अंदर और ये है वन ऑफ द बेस्ट शॉप्स इन बेलगाम। ये शाहपुर में है। सो बेसिकली अभी अभी भी आप गोवा से आओ तो इधर ज़रूर शॉपिंग करना अभी शादी के लिए। तो ये रहा पूरा शॉप का व्यू और आप पूरा व्यू देख सकते हो जो वन ऑफ द बेस्ट शॉप्स है। मुझे तो अब मैंने अपनी पूरी की पूरी शॉपिंग इधर ही की थी अपनी शादी के लिए। सो आप भी ज़रूर इधर ही आना और देख लेना। तो दोस्तों मैं तो गया था अपनी कार एक्सेसरी शॉप पे जहाँ पे मैं कार फिटिंग करता हूँ लेकिन ये रही बेलगाम की बिन बुलाई बारिश, पता नहीं कब स्टॉप होगी। माँ और बहन तो उसी शॉप पे बैठे हैं जहाँ पे मैंने वो छोड़ा था लास्ट टाइम साड़ी मंदिर में। और हेलो दोस्तों आपका खाना हो चुका है, हमारा तो हो गया भाई। एक्चुअली ना प्लान में कुछ चेंजेस हो चुके हैं। प्लान ये था कि हम गोवा से निकले थे बेलगाम की तरफ, इवनिंग में हम जाने वाले थे कोल्हापुर और वहाँ से एक दिन का स्टे लेके हम कल दूसरे दिन वापस बेलगाम होते हुए गोवा आने वाले थे। आज हम बेलगाम पहुँचे ज़रूर लेकिन इतनी बारिश हो गई कि हमारा ठीक से हमारा शॉपिंग नहीं हो पाई, जो मेरा काम था हो भी नहीं हो पाया। इसलिए हमने डिसाइड किया हम कोल्हापुर नहीं जा रहे हैं और आज रात को फिर से गोवा निकलने वाले हैं। और जितना हो सके हम अभी काम करने वाले थे कि शॉपिंग अभी करेंगे बाद में दिन ख़त्म हो जाएगा। इसलिए हमने अभी एक डिसीजन लिया है कि हम जितने इधर आसपास के जो फेमस स्पॉट्स है जो बेलगाम के आसपास के वो आपको दिखा देंगे। बाय 6 हम फिर से बेलगाम सिटी आ जाएंगे। उसके बाद हम यहाँ का फेमस जो डी मार्ट है वहाँ पे शॉपिंग कर लेंगे और आपको और 8 बजे शायद ना गाड़ी फिर से हम गोवा की तरफ छोड़ देंगे। सो बाय 11 समथिंग हम गोवा पहुँच जाएंगे। अभी तो हमारा प्लान यही है और अभी हम तो दोस्तों जैसे आपको पता ही है मैं अभी आया हूँ बेलगाम में। सो मैं बेलगाम में आके अपनी कार पे एक्सेसरीज ना डालूँ ऐसा हो ही नहीं सकता। तो बेसिकली मैं अभी कार पे डाल रहा हूँ एक कैरियर, एक गुड्स कैरियर। वो एक्चुअली इलीगल है, कार पे अलाउड नहीं है, प्राइवेट कार के लिए, टूरिस्ट कार पे अलाउड है लेकिन मैं वो कैरी करने वाला हूँ क्योंकि मुझे कैंपर वैन के लिए वो चाहिए ही चाहिए है। और बेसिकली ये वन ऑफ द ट्रस्टेड शॉप्स है फ्रॉम बेलगाम फोकस एक्सेसरीज। मैं उसका कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन दे दूँगा। और मुझे इस कैरियर की कॉस्ट पड़ी थी 3,500, यही कैरियर मुझे गोवा में 7,000 रुपये मिलने वाला था।
तो दोस्तों जैसे कि आपको पता ही है, मैंने अपना कार पे कैरियर का काम चल रहा है जैसे कि आप देख रहे हो पीछे, और अभी इधर से हम जा रहे हैं टूरिस्ट स्पॉट से, तो लेकिन उनका वीडियो मैं अगले ब्लॉग में प्रॉपर ब्लॉग बना के अपलोड करूँगा, क्योंकि उनको इस वीडियो में ऐड किया तो वीडियो बहुत ही लेंथी हो जाएगा, मुझे अच्छा नहीं लगता ज़्यादा ज़्यादा लंबे लंबे वीडियो बनाना, तो बेसिकली उनको प्रॉपर टूरिस्ट स्पॉट्स है। अब दोस्तों अभी हम जा रहे हैं डी मार्ट शॉपिंग सेंटर, वहाँ पे ना हर एक चीज़ आपको कम दाम में ही मिलेगी, और इसका बेस सेंटर है कोल्हापुर, लेकिन यहाँ से आप बहुत ही कम प्राइस में अपनी ग्रोसरीज खरीद सकते हो और अभी अफोर्डेबल प्राइस में, तो ज़रूर विजिट करना। तो दोस्तों ये जो मार्केट आप देख रहे हैं, ये है वेजिटेबल मार्केट और ये है बेलगाम फोर्ट के नज़दीकी, और यहाँ की खास बात है यहाँ पे डायरेक्टली फार्मर्स अपनी भाजी बेचने को आते हैं, और यहाँ से आप डायरेक्टली फार्मर से भाजी ले सकते हो, और वो इतनी फ्रेश होती है पूछो ही मत। मैंने अपने घर के लिए 20 किलो कांदे लेके गए थे जो सबसे कम दाम में, तो जब भी आप बेलगाम में आओगे इधर से शॉपिंग जरूर करना जरूर। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ये ब्लॉग बीच में स्टॉप कैसे हो गया, इसको एंडिंग क्यों नहीं था, तो आपको बता दूं कि हमको रात को आते आते इतनी देर हो गई कि मैं बहुत टायर्ड हो गया, मैं घर पे आके सो ही गया, तो मुझे एंडिंग करने को नहीं मिला। और एक स्पेशल अनाउंसमेंट है कि अगर कोई रात को चोला घाट से गोवा आने वाला है या गोवा से महाराष्ट्र जाने वाला है, तो प्लीज़ वो रास्ता अवॉइड कीजिए, इतना खतरनाक पॉट होल से रास्ते पे आप गाड़ी चला ही नहीं सकते। और सेकेंडली और एक इशू हो गया कि मुझे डी मार्ट में जब मैं शूटिंग कर रहा था, मुझे उनके स्टाफ ने मुझे बोला कि शूटिंग अलाउड नहीं है, सो वो भी वीडियो मुझे डिस्क्रिप्शन बोलने का मौका ही नहीं मिला क्या क्या डिस्काउंट में चल रहा है क्या क्या है। लेकिन आपने मुझे जितना वीडियो देखा वो अच्छा लगा तो लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और अभी ये मैं दूसरे दिन में सुबह उठ के वीडियो बना रहा हूँ जो एंडिंग था उसका, तो बेसिकली मैं इसका जो चोला घाट का है वो स्पेशल एक वीडियो बनाऊँगा, वो देख लेना रोड कंडीशन कैसे हैं। उसके बाद हम दो जगह घूमने गए थे बेलगाम से नज़दीक ही है, उनका भी वीडियो आएगा, और एक कैरियर का एक डिटेल्ड वीडियो आएगा, कैरियर टोटल वो सीरीज में मैं डिवाइड करूँगा ये मेरे एक जर्नी, सो सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो तब तक मिलेंगे मेरे अगले वीडियो में, टेक केयर।